हम इस वक्त नौगांव सादात में हैं, जो करण सिंह तंवर साहब ने आरोप लगाया था कि एक शख्स पकड़ा गया है बुरके में। यहाँ पर हम नौगांव भी आ गए, लेकिन यहाँ पर तो कोई शख्स ऐसा कोई जो बुरके में हो, बुरके में जो है वो बुरका चेक नहीं कर रहे, और ये हमारे मौलवी जी खड़े हैं हमारे यहाँ, हमारे कोई वो नहीं है इसमें, तो ये देख रहे हैं। लेकिन आप चेक कर, लेकिन आपने तो एक क्लेम किया था कि एक शख्स, क्लेम किया मेरे को फोन कर रहे हैं मेरे कार्यकर्ता, तो मैं क्लेम करूंगा ही ना, और अभी इसलिए तो आया मैं देखने के लिए। मैं बताता हूँ, आप बात कर लो ना, यहाँ के लोकल लोगों से बात करो ना। लेकिन आपने तो कहा था कि पुलिस ने, लोगों से बात भी तो करो ना, ये तो बताएंगे, मैं इसलिए तो आया हूँ ना, अभी आपके साथ साथ आए, आप मेरे साथ क्वेश्चन पूछने लगो, पहले मैं देख तो लूँ ना क्या हुआ क्या है, है कि नहीं, क्या क्या मामला है यहाँ पर। जो लेडीज़ यहाँ पे बुरखा पहन के आ रही हैं, उनके चेहरा चेक करना इस वजह से ज़रूरी है कि नंबर दो के वोट पोल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई यहाँ किसी पे क्लेम नहीं लगाया जा रहा है, विलेम नहीं लगाया जा रहा है। नौगांव सादात और यहाँ के गल्फ़ में बहुत से आदमी हैं, उनके नंबर दो के वोट पर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी यह है फोर्स को, इलेक्शन कमीशन को, कि यहाँ पे पूरी चेकिंग करें। कोई मर्द ऐसा आपने देखा जो बुर्का पहन करके आकर के वोट डाला? कन्या पाठशाला पे मैं भी वोट डाल रहा था, दूसरे लोग भी डाल रहे थे, वहाँ पे नंबर दो की आईडी लेके वोट डालने के लिए आए, उसको नंबर दो की आईडी की अलग बात है, मर्द बुरके में अलग बात है। नौगांव सादात में जब पुलिस वहाँ पे चेक किया, कुल मिलाकर के आज तक जो पड़ताल कर रही है और लगातार जो एक आरोप लगाया गया सनसनीखेज और उसके बाद जो हमने पड़ताल की है, उसमें ये पता चल रहा है कि आपत्ति जरूर है कि जो महिलाएं बुरके में वोट डाल रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई मर्द डाला हो इस तरीके से बुरके में आकर के जैसा बीजेपी एमपी महोदय ने किया था, ऐसा हमें कोई भी शख्स नहीं मिला। लेकिन अभी बीजेपी के एमपी और कैंडिडेट जो हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि नौगांव में एक शख्स को पकड़ा गया है जो बुरके में था, वोट डाल रहा था, क्या आपको लगता है? ये तो बीजेपी वालों की चाल जो है इस बार नहीं चलने वाली, किसी को बुरखा पहना के पहुंचा दो या किसी को जो है कुछ और पहना के पहुंचा दो, ये चाल पोलराइजेशन नहीं होने वाला। तो आपको क्या लगता है? उल्टा भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, पूरा शासन जो है प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है, लेकिन जनता का इतना सीधा वोट कर रही है कि रुक नहीं पा रही। अभी की घटना है गढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं सतपाल यादव, उनको डिटेन किया है, अपने बूथ पे वो वोट कास्ट कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हैं, अपने बूथ पे वोट कास्ट करके निकल रहे हैं, वो उनको जो है डिटेन किया खाली हमारे वर्कर्स को डिमोलाइज करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना, जनता तय कर। तो जो बुरके का आरोप है उसको आप क्या कर रहे हैं, कि खारिज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पोलराइजेशन की कोशिश कुछ नहीं है, बीजेपी वाले खाली आरोप लगा रहे हैं, आरोप में कोई हो सकता खुद बुरखा पहना के या धोती पहना के पहुँचा दें,